माय नेम इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्लिंस्टा के एक और प्रोडक्ट के साथ आई हूँ एंड ये जो प्रोडक्ट है ये एक हेयर ग्रोथ सीरम है एंड आपको मैं जल्दी से शेयर करती हूँ उस प्रोडक्ट को। ये है वो प्रोडक्ट एंड ये है क्लिंस्टा की एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट एंड ये हमारे थिक हेयर ग्रोथ एंड रीग्रोथ के लिए है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि ये एक हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट है, इसमें जो स्टार इंग्रेडिएंट मेंशन किया गया है वो है रेडेंसिल 1.5% एंड ये जो है ये ऑल हेयर टाइप है। एंड बात करें अगर इसके क्वांटिटी एंड प्राइस के बारे में तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 ml की है, इसकी जो MRP है वो है 499 rupees। बट ऑनलाइन आप इसे कितने में परचेस कर सकते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसे यूज़ करने के लिए। तो सबसे फर्स्टली इसमें बताया गया है कि आपको इसे 3 months तक यूज़ करना है। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि अगर आपको इसे यूज़ करने के बाद किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे छोड़ दें यूज़ करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3 months तक अगर आप यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये आप पे सूट किया है या फिर नहीं। आपको अगर 1 से 2 दिन में भी लगे कि हेयरफॉल हो रहे हैं एंड आपको इचिनेस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल लग रहा है इसे यूज़ करने के बाद, तो आप इसे तुरंत यूज़ करना छोड़ दें। ऐसे तो कंपनी ने क्लेम किया है कि इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, बट मैं आपसे कहूँगी कि आप इसे यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर ले लें। बात करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो इसके बॉक्स में ऐसा मेंशन किया गया था कि आपको इसे बाथ के बाद ही यूज़ करना है, तो हर दिन पॉसिबल नहीं है हेयर वॉश करना। तो मैंने इसे फर्स्ट टाइम हेयर वॉश करने के बाद यूज़ किया एंड उसके बाद मैंने इसे अपने ड्राई हेयर पे भी यूज़ किया है। तो इस सीरम के साथ एक और चीज़ मेंशन किया गया है इसके बॉक्स पे कि आप जब इस सीरम को यूज़ करें तो उसके बाद अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर ले। तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और मैं आपको शो करती हूँ इसे मैंने फर्स्ट टाइम कैसे यूज़ किया था एंड उसके बाद भी मैंने इसे काफ़ी टाइम यूज़ किया, उसके बाद ही मैं ये रिव्यू कर रही हूँ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो एंड अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड इसी तरह के न्यू प्रोडक्ट के रिव्यूज़ एंड कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।